स्टूडेंट आज हमने जिस टॉपिक को डिस्कस करना है आज टॉपिक के बारे में मैंने आपको बताना है वो है स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रमशन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग जो है वो अपने प्रीवियस लेक्चर में जो डिस्कस कर रहे थे वो डिस्कस कर रहे थे फोटो सिंथेटिक आपकी बुक में एब्जोर्शन स्पेक्ट्रम जो है वो

इस थाइलोकवाइट के मेम्ब्रेन के अंदर ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मौजूद होते हैं क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी कैरोटीन एंड सेंथोफिल ये तमाम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मौजूद होते हैं किसके अंदर थाइलोकवाइट मेम्ब्रेन में और ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट लाइट को एब्सॉर्व करते हैं विजिबल लाइट और उसके बाद उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में आ गया क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी, एंड अब आप देखें कि नेचर ने डिफरेंट टाइप के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट दिए हैं प्लांट्स को क्या एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट से काम नहीं चल सकता था कि सिर्फ क्लोरोफिल ए होता और वो फोटोसिंथेसिस कर लेता एक पिगमेंट फोट काफी था प्लांट के लिए इतने सारे फोटो पिगमेंट प्लांट को क्यों दे दिए गए तो उसकी रीजन क्या है तो उसकी बहुत सारी रीजंस में एक रीजन ये भी है मैंने आपको बताया था कि लाइट की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हमने पढ़ा था कि गामा रे से लेके रेडियो रेस तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है ये तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम प्लांट के काम का नहीं होता प्लांट के काम का होता है सिर्फ विजिबल स्पेक्ट्रम जिसको हम क्या कहते हैं जिसको हम विजिबल लाइट भी कहते हैं और आपको पता है कि विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ है वो 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक है ना इससे कम वेबलैथ प्लांट एबजोर्व करेगा ना इससे ज्यादा तो ये वेबलैंथ प्लांट क्या करते हैं एब्जॉर्व करते हैं और इस वेवलेंथ को हम कहते हैं या इस रीजन को जो ये जो स्पेक्ट्रम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है इसका सबसे जो एक्टिव प्लांट्स के लिए जो काम की चीज है वो फोर जो वेवलेंथ है वो फोर हंड्रेड से लेके सेवन हंड्रेड नैनोमीटर तक जो है ये प्लांट के फोटो के लिए मतलब इफेक्टिव है या फोटोसिंथेसिस इसी पर होती है और इस रीजन को हम कहते हैं पी ए आर पी आर मतलब फोटोसेंथेटिक फोटोसिंथेटिक एक्टिव रीजन यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का वो रीजन जो फोटोसिंथेसिस के लिए एक्टिव होता है उसको हम कहते हैं पी ए आर और पी ए आर की वेवलेंथ कितनी है 400 हंड्रेड टू सेवन हंड्रेड नेनोमीटर अब मैंने जो आपको कहा कि क्या प्लांट के अंदर एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट काफी नहीं था तो इतनी सारे फोटो सिंथेटिक पिगमेंट नेचर ने प्लांट को क्यों दिए हैं तो उसकी वजह क्या है उसकी वजह यह है कि अकेला एक फोटो सिंथेटिक पिगमेंट जैसे ये क्लोरोफिल ए हो गया ये इतनी बड़ी रेंज को वेवलेंथ इतनी बड़ी रेंज को 400 से लेकर 700 तक की जो वेवलेंथ है इसको एब्जॉर्व एक पिगमेंट नहीं कर सकता यानी अकेला क्लोरोफिल ए जो है वो इतनी बड़ी रेंज को एब्जॉर्व नहीं कर सकता तो मुख्तफ पिगमेंट का फायदा ये होता है कि कोई लाइट की फोर हंड्रेड फिफ्टी वेबलैंथ को एब्जोर्व कर लेगा कोई फिफ्ट हंड्रेड को कर लेगा कोई फिफ्ट फिफ्टी को कर लेगा कोई सिक्स हंड्रेड को कर लेगा कोई सिक्स फिफ्टी को करेगा ज्यादा तो इस तरह से फायदा ये होता है लाइट की जितनी भी वेवलेंथ है जितना भी पी ए आर है फोटोसेंथेटिक एक्टिव रीजन है वो तमाम का तमाम क्या हो जाता है मुख्तलिफ फोटोसेंथेटिक पिगमेंट की वजह से जो है वो एब्जोर्व हो जाता है अच्छा एक और बात हमें और पता है कि विजिबल लाइट के अंदर कितने कलर होते हैं टोटल सेवन कलर होते हैं और उन सेवन कलर को हम शॉर्टली कहते हैं विप गे और विप गे और का मतलब वी फोर वायोलेट आई फोर इंडिगो जी फोर ग्रीन वाई फोर येलो ओ और फोर ऑरेंज

तो उसमें अगर आप विप ग्योर कर लोगे तो विप ग्योर में हर कलर का पहला पहला लेटर ले लोगे तो उससे आपको याद करना क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा तो चलो अब मैं अपने असल टॉपिक की तरफ आ जाते हैं जो असल जो आज हमने जिस टॉपिक पर बात करनी है वो बेसिकली क्या है वो है एब्जोर्शन स्पेक्ट्रम आज जो हमने बात करनी है वो है एबजोर्शन स्पेक्ट्रम अब देखो एब्जोर्शन स्पेक्ट्रम क्या है एबजोर्शन स्पेक्ट्रम मतलब लाइट का कौन सा फोटोसेंथेटिक पिगमेंट कौन सी लाइट की वेवलेंथ को एब्जोर्व करता है किस लाइट की वेवलेंथ पर वो अपने रिजल्ट ज्यादा अच्छे शो करता है कौन सा पिगमेंट कौन सी लाइट की वेवलेंथ को एब्जॉर्व करता है इसको जब हम ग्राफिक फॉर्म में देते हैं जब हम इसको किसकी फॉर्म में शो करते हैं ग्राफ की फॉर्म में शो करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं एब्जॉर्शन स्पेक्ट्रम तो देखो मैंने क्या बताया कि कौन सा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन सी लाइट की वेवलेंथ को क्या कर रहा है एब्जॉर्ब कर रहा है इसको जब हम ग्राफिक फॉर्म में लेकर आ जाते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं एब्जोर्शन स्पेक्ट्रम ग्राफ बनाने का तरीका आपको पता होगा एक आप लेते हो, एकसेस। ये एकसेस हो, एकसेस हो गई और ये वाई एक्सिस हो गई एक्स एक्सिस पर आप रख लें लाइट की वेवलेंथ जो 400 से 700 तक होती है और y एक्सिस पर आप रख लें फोटोसेंट्रिटिक एक्टिविटी तो देखें यहाँ पर जो आपकी बुक में एब्जोर्शन स्पेक्ट्रम की जो इमेज दिया हुआ है वो इस तरीके से बना कर दिया हुआ है यहाँ पर 400 से लेके 6 700 तक जो है लाइट की क्या है ये वेवलेंथ है और यहाँ पर डिफरेंट कलर्स शो किए गए इतने ज्यादा क्लियर तो ये कलर नज़र नहीं आ रहे हैं लेकिन मैं चले इसके ऊपर फिर भी यहाँ कलर्स के जो है वो नाम लिख देता हूँ कि यहाँ पर जो है वो सबसे पहले वायोलेट है फिर जो है वो इंडिगो है इंडिगो के बाद आपको ये ब्लू नज़र आ रहा है ब्लू के बाद ये ग्रीन है येलो है ऑरेंज है और यहाँ पर ये रेड रीजन है अच्छा 400 से 700 तक इनकी वेवलेंथ है ये एक तरफ x एक एक्सिस पर हमने क्या देख लिया x एक एक्सिस पर हमने यहाँ पर देख रहे हैं x एक एक्सिस पर यहाँ से लेके यहाँ तक ये यह हो गई इसकी लाइट की वेवलेंथ यहाँ से यहाँ तक और ये हो गई परसेंट एब्जॉर् यानी कितनी लाइट को फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कितने परसेंट एब्जॉर् कर रहे हैं तो अब देखेंगे जिसको मैं y ये वाली लाइन जो है जिसको मैं व्हाइट कलर से शो कर रहा हूं आपको समझाने के लिए ये व्हाइट वाले कलर से ये इस वाइट वाली लाइन को चलते जाए लेके आगे ये जो व्हाइट वाली लाइन है ये है क्लोरोफिल ए ये क्या है क्लोरोफिल ए इसके बाद ग्रीन जो लाइन है इसके बाद जो है मैं कौन सी वाली लाइन को शो कर देता हूं ग्रीन लाइन को ये ये ग्रीन लाइन ये यहां से चलती हुई यूं गई और सॉरी ये ये तो जो है वो कैरेक्ट है ये कैरेक्ट है सॉरी इसको मुझे इरेज करना होगा अब आप ये दूसरी वाली लाइन देखें जिसको मैं ग्रीन कलर से शो कर रहा हूं इधर जो है वो दूसरी लाइन को हम ग्रीन कलर से शो कर लेते हैं ये वाली लाइन जिसको मैं लाइन से जो उसको ये ये है क्लोरोफिल बी ये देखें ये चाह रहा है क्लोरोफिल बी ये वाली लाइन कौन सी हो गई ये हो गई क्लोरोफिल बी इसके बाद ये जो मैं ऑरेंज या ये कलर से चलें येलो कलर से शो कर देता हूँ ये जो येलो कलर से शो कर रहा हूं ये लाइन समझ लें किसको शो कर रही है ये कर रही है कैरेटनवाइट को किसको शो कर रही है ये कैरेटन को शो कर रही है तो चलें इधर देख लें अब देखें मैंने आपको बताया था एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है कितने परसेंट कौन सी लाइट की वेवलेंथ को फोटोसिंथेटिक पिगमेंट एब्जॉर्ब कर रहे हैं अब आप इधर देखें क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल ए जो है वो जो एब्जॉर्ब कर रहा है लाइट की वेवलेंथ यानी क्लोरोफिल ए की जो आपको पीक नजर आ रही है वो कितने 400 वेवलेंथ के आसपास 400 वेवलेंथ के आसपास आपको जो है वो क्लोरोफिल ए की जो है वो क्या नजर आ रही है पीक नजर आ रही है और क्लोरोफिल बी की जो पीक आपको नजर आ रही है वो फोर के करीब करीब फोर के करीब करीब की जो वेवलेंथ है उसको कौन एब्जोर्व कर रहा है उसको एब्जोर्व कर रहा है क्लोरोफिल बी तो क्लोरोफिल बी की जो आपको पीक नजर आ रही है वो कहाँ नजर आ रही है वो नजर आ रही है आपको फोर फिफ्टी के आसपास मतलब कहें तो फोर फिफ्टी से लेके फाइव हंड्रेड के करीब करीब जो है ये कौन सी इसकी पीक जो है वो यहाँ पर जो पीक है बेसिकली फोर फिफ्टी से बीच में जो इसकी पीक है क्लोरोफिल बी की है अब कैरोटोनोइड्स को अगर आप देखें तो ये जो येलो कलर का कैरेटोनोइड है इसकी जो आपको नजर आ रही है पीक ये फो, फोर से फोर हंड्रेड फिफ्टी इससे लेके फोर हंड्रेड के यहाँ पर से लेके इसकी आपको पीक जो है वो फाइव हंड्रेड से आगे तक यहाँ तक नजर आ रही है यहाँ से लेके यहाँ तक आप देखें इस वेवलेंथ को कौन जो एब्जोर्व कर रहा है यहाँ पर इस जगह पर आकर जो है वो आपको किसकी पीक नजर आ रही है इस जगह पर आपको नजर आ रही है पीक किसकी नजर आ रही है पीक कैरेटोन की अच्छा फिर ये तो रीजन हो गया ब्लू वाला ब्लू और ये येलो वाला रीजन हो गया इसके बाद जो है वो ब्लू ग्रीन और येलो वाले रीजन हो गए अब दोबारा जो दूसरी पीक आपको नजर आ रही है अगर आप क्लोरोफिल ए की देखें तो क्लोरोफिल ए की जो पीक है वो आपको यहां पर 650 के करीब रेड रीजन में रेड रीजन के अंदर एक क्लोरोफिल ए की पीक दोबारा नजर आ रही है। और उसी तरीके से क्लोरोफिल बी की पीक भी जो है वो इस जगह पर जो है वो आपको यहां पर जो है वो ज्यादा नजर आ रही है तो इसका मतलब जहां पर इनकी पीक बन रही है जिन इन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की जहां पर पीक बन रही है ये जगह जिन रीजन में तो ये रीजन जो है ये फोटोसिंथेटिक की जो वेवलेंथ है ये रीजन क्या कर रहे हैं ज्यादा जो है वो एबजोर्व कर रहे हैं ये वेवलेंथ जो है वो क्या हो रही है ज्यादा एब्जोर्व हो रही है फोटोसिंथेटिक इसकी पिगमेंट्स की तो देखें अब क्या होता है इस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की अगर हम बात करें तो इस एब्जोर्शन स्पेक्ट्रम एब्जोर्शन स्पेक्ट्रम के अंदर 400 से लेके 470 रीजन यानी ये जो 400 से 400 से से ले लेके लेके 470 रीजन जो है वो क्लोरोफिल ए एब्जोर्व कर रहा है अगर आप मैं इसको देखें मैं इसको इरेज कर देता हूं एक दफा ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए देखेगा देखे, 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 अब यहाँ पर लिखा हुआ है कौन सा क्लोरोफिल ए है कौन सा क्लोरोफिल बी है कैरेटोनाइड ये यह सारे यहां पर शो हो रहे हैं तो अब आप इधर देखें कि जो अगर आप इधर देखें यहां पर इस जगह पर कि अगर आप देखें कि इसकी क्लोरोफिल जो है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी 400 से लेके 470 तक ये 400 से लेके 470 तक की जो वेवलेंथ है उसको क्या कर रही है ये कर रही है यहां से लेके यहां तक अगर आप देखें तो 400 से लेके ये 470 तक आके वेवलेंथ को कर रहे हैं और ये वॉयलेट और ब्लू रीजन है ये रीजन कौन सा है वॉयलेट और ब्लू रीजन मैंने ब्लू रीजन थोड़ा सा पीछे कर दिया यहां पर ये यह वॉयलेट और ब्लू रीजन वाली लाइट के वेवलेंथ को एब्जोर्व कर रहे हैं उसके दोबारा तो इसकी इस तरफ अगर आप आ जाए तो यहां पर कौन सी वाली वेवलेंथ को एब्जोर्व करें सिक्स थर्टी से लेके देखें

फाइव हंड्रेड तक फाइव हंड्रेड है फोर थर्टी है. से लेके फाइव हंड्रेड तक की जो वेवलेंथ वेबल हंड्रेड के करीब करीब क्या कर रहे हैं एब्जो कर रहे हैं और ये कौन सा वाला रीजन है ये अगर आप रीजन देखें तो ये भी ब्लू वॉलेट और ये थोड़ा बहुत जो है वो ग्रीन रीजन इसके अंदर जो है वो क्या है आ रहा है अब आप इधर अब आप मतलब समझ चुके होंगे कि ये जो पूरा का पूरा ग्राफ है ये किस चीज को शो कर रहा है कि कौन सी कौन सी वेवलेंथ को कौन सा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा है चलिए अब हम आ जाते हैं किसकी तरफ अब हम आ जाते हैं आपकी बुक के पॉइंट्स की तरफ कि आपकी बुक में एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में क्या लिखा है अब हम आ जाते हैं जो आपकी बुक में पॉइंट लिखे हुए हैं तो आपकी बुक देखें अपनी बुक के अगर आप पॉइंट देखें तो आपकी बुक कह रही है

एक एक ट्रीज में एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रो फोटोमीटर स्पेक्ट्रो फोटोमीटर के अंदर जब हम मुख्तलि पिगमेंट को रखते हैं और उन पिग उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर हम देखते हैं कि कौन सा पिगमेंट जो है वो कौन सी वेवलेंथ को ज्यादा एब्जोर करता है ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है ये आपको बताता है कि क्लोरोफिल ए कौन सी लाइट की वेवलेंथ को एब्जोर्व कर रहा है क्लोरोफिल बी कौन कौन सी सी लाइट लाइट की की वेवलेंथ वेवलेंथ को को कर कर रहा रहा है है तो ये जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है इसका जो हमें डेटा मिलता है उस डेटा को जब हम एक ग्राफिक फॉर्म में लेकर आते हैं तो उसको हम कहते हैं एब्जोर्शन स्पेक्ट्रम द डेटा ऑफ इज रिप्रेजेंटेड बाय अ ग्राफ जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ने आपको डेटा दिया ना मशीन ने जो आपको एक इंस्ट्रूमेंट ने जब आपको एक डेटा दिया तो उस डेटा को आप जब एक ग्राफ की फॉर्म में ले आओगे तो उसको कहेंगे एब्जॉर्शन स्पेक्ट्रम एब्जॉर्शन स्पेक्ट्रा ऑफ डिफरेंट पिगमेंट इंडिकेट डेट दब्जॉर्व वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट एंड दीज वेवलेंथ आर नॉट एब्जॉर्व एट द सेम रेट मतलब

एक क्लोरोफिल ए पर पीक बन रही है अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की एक क्लोरोफिल बी पर यानी क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी पर पीक्स बन रही हैं तो इसका मतलब मेन जो फोटो रिसेप्टर हैं वो क्या हैं वो क्लोरोफिल ए है और क्लोरोफिल कौन सा है बी है उसके बाद अगर हम देखें तो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी कौन सी लाइट की वेवलेंथ को ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं वायलेट ब्लू 400 से 470 नैनोमीटर और ऑरेंज रेड यानी सिक्स थर्टी से 660 आप यहां पर देख सकते हैं एबसौर्शन, एबसौर्शन स्पेक्ट्रम में के जो क्लोरोफिल ए है अगर हम ब्लू रीजन वाली बात करें तो ब्लू रीजन में ये फोर थर्टी से लेके फोर हंड्रेड से लेके फोर सेवेंटी तक की वेवलेंथ को एब्जोर्व कर रहे हैं और रेड रीजन में अगर आप देखें तो ये सिक्स सिक्स थर्टी से लेके सिक्स हंड्रेड फिफ्टी तक सिक्स हंड्रेड सिक्सटी तक की wavelength को क्या कर रहे हैं? इसके अलावा अगर आप कैरोनॉइड्स की बात करें तो कैरोटोनॉइड का जो एब्जोर्शन स्पेक्ट्रम है वो फोर थर्टी से लेके फाइव हंड्रेड तक है तो ये तो हमने बात कर ली किसकी एब्जोर्शन स्पेक्ट्रम तो एब्जॉर्शन स्पेक्ट अब एक और बात बच्चे कहते हैं कि एक पहले मैंने बताया था आपको एक्शन स्पेक्ट्रम पहले मैंने बात किसकी की थी पहले मैंने बात की थी एक, जब मैंने आपको रोल ऑफ लाइट बताया था तो उस वक्त मैंने आपको उस उस टॉपिक में आपकी बुक में डिस्कस किया गया है एक्शन स्पेक्ट्रम और यहाँ पर जो डिस्कस किया गया है वो कौन सा स्पेक्ट्रम है यहाँ पर डिस्कस किया है एब्जॉर्शन स्पेक्ट्रम तो अब क्या फर्क है एब्जॉर्शन स्पेक्ट्रम में और किसके अंदर एक्शन स्पेक्ट्रम में तो देखो एब्जॉर्शन स्पेक्ट्रम तो आपको मैंने बता दिया कौन सा पिगमेंट कितनी लाइट की वेवलेंथ को एब्जोर्व करेगा कौन सा पिगमेंट सॉरी कौन सी लाइट की वेवलेंथ को एब्जोर्व करेगा इसको जब आप ग्राफिक फॉर्म में शो करोगे तो वो हो जाएगा एब्जॉर्शन स्पेक्ट्रम वो क्या हो जाएगा एब्जॉर्शन स्पेक्ट्रम लेकिन 400 से 700 लाइट की वेवलेंथ है फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव लाइट की वेवलेंथ कौन सी होती है यानी 400 से लेके 700 तक जो लाइट की वेवलेंथ जो एब्जॉर्ब हो रही है इसमें सबसे ज्यादा इफेक्टिव जो होती है फोटोसिंथेसिस की कौन सी वेवलेंथ होती है इसको जब आप ग्राफ की फॉर्म में शो करते हो तो उसको हम क्या कहते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम तो क्या बोला मैंने कि कौन सा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इस 400 से लेके फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन सी लाइट की वेवलेंथ को एब्सोर्व करेगा वो एब्जोर्शन स्पेक्ट्रम है 400 से लेके 700 तक की लाइट की जो वेवलेंथ है फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट जो है वो कौन सी वेवलेंथ पर फोटोसिंथेसिस सबसे बेहतर होती है इसको हम क्या इस जब हम इसको ग्राफ की फॉर्म में शो करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम एक्शन स्पेक्ट्रम के लिए क्या होता है कि आप एक प्लांट ले लो आप इस प्लांट पर डिफरेंट लाइट की वेवलेंथ डालो सबसे पहले इसके ऊपर आप जो है वो वायलेट लाइट की वेवलेंथ डालो और देखो फोटोसिंथेसिस कितनी हो रही है कितनी ऑक्सीजन रिलीज हो रही है फिर आप इसके ऊपर डाल दो इंडिगो लाइट डालो तो देखो फोटोसिंथेसिस तो कितनी हो रही है कितनी ऑक्सीजन रिलीज हो रही है आप इसके ऊपर ब्लू लाइट डालो आप इसके ऊपर ब्लू लाइट डालो और देखो कि इस पे जो है वो कितनी फोटोसिंथेसिस जो है वो हो रही है आप इसके ऊपर डाल दो क्या कहते येलो लाइट डालो ग्रीन लाइट डालो फिर ऑरेंज लाइट डालो इसपे रेड लाइट डालो और आप देखो कि कहा किस पर फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो रही है किस वेवलेंथ पर फोटोसिथेसिस ज्यादा हो रही है तो जब आप इस प्लांट पर डिफरेंट लाइट की वेवलेंथ डालोगे तो आप देखोगे कि ब्लू लाइट पर ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज हुई है और रेड लाइट पर ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज हो रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ब्लू लाइट की जो वेवलेंथ है और रेड लाइट की जो वेवलेंथ है वो सबसे इफेक्टिव है ब्लू रीजन यानी ब्लू के करीब करीब और रेड के करीब करीब जो रीजन है फोटोसिंथेसिस इन रीजन में सबसे ज्यादा होती है तो इसका मतलब ब्लू और रेड लाइट जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए जो है वो एक्टिव सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस इन पर होती है तो इसको हम क्या कहेंगे इसको ग्राफ फॉर्म में लेकर आ जाओ इसको एब्जोर्शन स्पेक्ट्रम और क्लोरोफिल को रख दो और ए को रख दो क्लोरोफिल बी को रख दो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में कैरोटीन को रख दो जेंथोफिल को रख दो और इन पर मुख्तफ लाइट डालो

ज्यादा नजर आ रही है और यहाँ फोटोसिंथेटिक की पीक जो है वो आपको रेड रीजन में ज्यादा नजर आ रही है तो इसका मतलब ब्लू और रेड जो है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होते हैं के लिए सबसे ज्यादा और यहाँ पर आपको मुख्तलिंथेटिक पिगमेंट के बारे में बताया जा रहा है कि क्लोरोफिल ए जो है वो है, कौन सी लाइट की वेब को एब्जोर्व कर रहा है क्लोरोफिल बी कौन सी लाइट की वेब को एब्जोर्व कर रहा है कैरेटोन कौन सी एब्जोर्व कर रहे हैं तो ये हो गया बेसिकली जो है वो एब्जॉर्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम चलिए एक बात हम और कर लेते हैं, देख लेते हैं में और अगर और एक्शन स्पेक्ट्रम में आप डिफरेंसेस बताएं तो यहाँ डिफरेंसेज लिख लेते हैं पहले यहाँ लिख देते हैं एब्जोर्शन स्पेक्ट्रम और यहाँ लिख देता हूं एक्शन स्पेक्ट्रम दोनों में डिफरेंसेस क्या है तो एब्जोर्शन स्पेक्ट्रम क्या है ये बेसिकली ग्राफ है ग्राफ शोइंग एब्सॉर्पन ऑफ डिफरेंट कलर डिफरेंट कलर्स बाय अ पर्टिकुलर पिगमेंट यानी मुख्तलिफ पिगमेंट लाइट के कौन से कलर यानी लाइट की कौन सी वेवलेंथ को एब्जॉर्व करते हैं उस ग्राफ को हम क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं एब्जोर्शन स्पेक्ट्रम और दूसरी तरफ एक्शन एक्शन स्पेक्ट्रम क्या है ग्राफ विच शोज द इफेक्टिवनेस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट डिफरेंट वेवल्थ ऑफ लाइट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटो सिंथेसिस फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटो सिंथेसिस तो ये तो पहला डिफरेंस हो गया दूसरा डिफरेंस आप जो है वो लिख सकते हो कि इट इज मेजर इट इज मेजर बाय स्पेक्ट्रो फोटो मीटर आप इसको एजोशन स्पेक्ट्रम को किससे मेजर कर सकते हो स्पेक्ट्रो मीटर से और इसको एक्शन एक्शन स्पेक्ट्रम को जो है वो मेजर करने का तरीका ये है कि वी इल्यूमिनेट अ प्लांट इन डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट लाइट के डिफरेंट कलर्स हम प्लांट्स के ऊपर डालते हैं वन बाय वन वी मेजर वी मेजर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एट ईच कलर लाइट के डिफरेंट वाइबलेंट डालते हैं फिर फोटोसिंथेसिस की को जो है मेजर करते हैं कि कितनी फोटोसिंथेसिस किस पर हो रही है किस पर ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज हो रही है तो उस इस तरह से हम मेजर करते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम को और एब्जॉर्शन स्पेक्ट्रम के लिए तो एक ऑपरेटस होता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर वो जो है आपको डिजिटली जो है वो उसको मेजर करके दे देता है इसके अलावा तीसरा डिफरेंस अगर आप लिखना चाहें तो बता सकते हैं कि एब्जॉर्शन स्पेक्ट्रम हमें बताता है कि एब्जोर्शन स्पेक्ट्रम हमें बताता है कि क्लोरोफिल एब्जोर क्लोरोफिल ए हो या क्लोरोफिल बी एब्जोर ब्लू एंड रेड लाइट ब्लू और रेड लाइट ज्यादा एब्जोर करते हैं क्लोरोफिल ए और बी जबकि कैरोटोनोइड कैरेटोनोइड जो है वो वायोलेट एंड ब्लू लाइट को एब्जॉर्व करते हैं यानी ये रेड रीजन की किसी लाइट को कैरोटोनवाइट एब्जोर्व नहीं करते मतलब स्पेक्ट्रम आपको बताता है कि क्लोरोफिल ए और बी जो है वो ब्लू और रेड लाइट दोनों ब्लू रीजन की लाइट और रेड रीजन की लाइट दोनों की वेवलेंथ को एबजॉर्व करते हैं लेकिन कैरेटोनवाइट सिर्फ वायोलाइट और ब्लू लाइट ही को एब्जॉर्व रीजन की लाइट को एब्जॉर्व करते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम आपको बताता है के द मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर इन ब्लू रीजन यानी ज्यादा से ज्यादा जो फोटोसिंथेसिस होती है वो किस रीजन में होती है ब्लू रीजन में तो टुडे आई टोल्ड यू अबाउट एब्जॉर्शन स्पेक्ट्रम फर्स्ट ऑफ फर्स्ट आई टोल्ड यू अबाउट एब्जॉर्शन स्पेक्ट्रम and after that i told you about action spectrum and here are some differences between absorption spectrum and action spectrum these are the graphs here are graphs which shows action absorption spectrum and action spectrum in next lecture we will discuss role of carbon dioxide and role of water in photosynthesis abhi tak humne role of light ko discuss kar liya रोल ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट को डिस्कस कर लिया जो फोटोसिंथेसिस में होता है इनका रोल अब हम जो है वो डिस्कस करेंगे रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और रोल ऑफ वाटर इसको फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे